उधर हिसार में खासी गहमा गहमी है। राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे हैं महापंचायत करने, उनसे बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हिसार के दो जगहों पर बरवाला और महासमंद में आज किसान महापंचायत, और तस्वीरें हिसार के खड़कपुरिया गांव की जहां पर राकेश टिकैत मौजूद रहे। जनसभा, जनसैलाब किसानों का, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं इस समय किसानों का जोश कितना ज़्यादा है। राकेश टिकैत यहां पर पहुंचे किसानों को संबोधित करने, उनसे बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। विधानसभा में हरियाणा में किसान आंदोलन को तूफानी रफ्तार देने के मकसद से हिसार जिले में दो रैलियों का आयोजन एक ही दिन में किया गया। पूरे हरियाणा में सामाजिक बहिष्कार किया गया और 23 तारीख को राकेश तिवारी की धरती पर महापंचायत करके एक तरफ बिल वापसी के लिए आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ जेपी दलाल की कुर्सी वापसी के लिए भी आज बार का अभियान चलाएंगे। अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ और मंच से सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, आदरणीय रामपुर कंडेला जी, विष्णु जी, सबका मैं एक साथ धन्यवाद करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। मेरे साथ एक नारा लगा मुझे बताइए, एक ही दिन में दो रैलियों के आयोजन का क्या मकसद माना जाए? हिसार जिले में एक ही दिन में दो रैली आप कर रहे हैं? हाँ कर लेंगे, दो कर लेंगे, तीन कर लेंगे, गांव में ही तो जाना, कह की कर लेंगे। सवाल ये भी आता है कि हरियाणा तो पहले से सक्रिय हो चुका है, तमाम दो राज्य पर अभी तक आंदोलन ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, नेताओं को वहाँ जाना चाहिए और जाएंगे वहाँ। कल राजस्थान में जाना शुरू करेंगे, कल महाराष्ट्र जा रहे और उसके बाद राजस्थान शुरू हो जाएगा। कल संजीव बालियान जो है जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तमाम नेताओं से सरकार नजदीकियां, जाट नेताओं से नजदीकियां बढ़ाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, क्या मकसद है, क्या मतलब है? हम तो नहीं जानते, हमें तो नहीं पता, हम तो किसान किसान है यहाँ तो सब, हमें जाति का तो नहीं पता कौन कौन है किसान आए यहाँ। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री ने कल यूपी के जाट नेताओं से मुलाकात की है, बैठ के वो कर रहे हैं नजदीकियां बढ़ा रहे हैं यूपी के जाट नेताओं से, करी होंगे उन्होंने, हमें तो जाते क्या हो सकता है सरकार है? मकसद क्या हो सकता है सरकार? अब उनको तोड़ने का कोई और नहीं मिला, अब जातियों में बांट दो, ये किसान क्या बटन लग रहा है जातियों में, ये तो किसान है। सरकार के मंसूबे कामयाब तो नहीं हो जाएंगे है? सरकार जो जातियों में बांटने की आप लगातार बात कर रहे हैं, कई मंसूबे कामयाब तो नहीं हो जाएंगे? कुछ में कहीं कामयाब नहीं होने, आगे किस तरीके से रफ्तार आप लोग देंगे, तमाम बड़े राज्यों में कैसे जा रहे हैं? आंदोलन पूरे देश में चलेगा, बढ़िया चलेगा। राजस्थान में किस तरीके से आप बढ़ेगा ये आंदोलन? हाँ जाके बढ़ेंगे, चार दिन में देख लियो। राकेश टिकैत साफ ही बात कर रहे हैं कि चार दिनों का अंतराल आप देखिए, उसके बाद राजस्थान में किस तरीके से तूफानी रफ्तार इस आंदोलन को दी जाएगी। उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि एक ही जिले में दो रैलियों को तीन रैलियों को भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन देश भर में तमाम बड़े राज्यों में इस आंदोलन को लेकर वो जाएंगे। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, यूपी के जाट नेताओं से नजदीकियां संजीव बालियान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर भी राकेश टिकैत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जातियों में इस आंदोलन को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चेहरे ये किसान के हैं, किसान तमाम जातियों से जुड़ा हुआ है, तमाम धर्मों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार की बांटने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। सोनी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिस्सा।